थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज विशाल रोड शो के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। अशोक अरोड़ा हजारों लोगों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए चुनावी कार्यालय बैरागी धर्मशाला से चले और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा का नामांकन पत्र भरवाया। इस दौरान नगर के चारों ओर कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग कंबाइन मशीन गाड़ियों और अपने अपने वाहनों से पहुंचे हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा का नामांकन भरवाने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा का नामांकन भरवाया है, पूरे हरियाणा में नामांकन भरवाने जा रहा हूं और पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी का औरों को भी करेंगे और मैं कई जगह आया गया हूं पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आपको बता दें कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज विशाल रोड शो के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। अशोक अरोड़ा हजारों लोगों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए चुनावी कार्यालय बैरागी धर्मशाला से चले और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा का नामांकन पत्र भरवाया। इस दौरान नगर के चारों ओर कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।